केरल के सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर प्रकरण को लेकर गुरुवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष हिंदू जागरण मंच ने एक दिवसीय धरना दिया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी ने कहा कि हम कानून बनाकर हिंदू समाज के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, आए दिन होने वाले इस कुठाराघात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस अवसर पर धरने में मयंक पांडे, कृष्णा सिंह, दुर्गेश त्रिपाठी, सुनील जायसवाल, पूनम, विजय प्रकाश मिश्र, अंबिका प्रताप सिंह, विवेक गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजा त्रिपाठी ने कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये मुश्किल है मेरे भाइयों, इसके लिए आवाज एक साथ लगाइए और आवाज दीजिए कि हम सब एक हैं। इस लड़ाई को जो हिंदू जागरण मंच ने वहां पर केरल में चलाया है, अब मजबूत करते हुए आज यही शपथ लेते हैं कि जब जब हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात, अपनी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बाबू आ रहे हैं जी, मैं राजा त्रिपाठी हिंदू जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। केरल स्थित सबरीमाला मंदिर जो भगवान अयप्पा का मंदिर है, दरअसल उस मंदिर में करीब 1000 साल पुरानी परंपरा है कि 10 साल से नीचे और 50 साल से ऊपर की ही महिला प्रवेश पा सकती है। बीच की महिलाओं की जो अपनी निजी व्यथाएं होती हैं, ऐसी रजस्वला महिलाओं को चिन्हित नहीं किया सकता, तो मंदिर की पवित्रता के लिए ऐसा कार्य किया गया है। भगवान अयप्पा के वहां पर सैकड़ों मंदिर हैं, एकमात्र मंदिर ब्रह्मचारी के रूप में वहां विराजमान है। भगवान ब्रह्मचारी के रूप में विराजमान होने के नाते ऐसी महिलाओं के सामने नहीं आना चाहते, ऐसी हमारी वहां की मान्यता रही है। और जिसको पारित कराने की जिम्मेदारी हिंदू समाज की रही है, 1000 साल से ऐसी कोई रजस्वला महिला वहां प्रवेश नहीं लेती। अब हिंदू समाज में समानता दिखाते हुए और भारतवर्ष में 50% जनसंख्या का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को उसमें भागीदार बनाने का एक जनभावना उकेर के हिंदू समाज की पुरानी परंपराओं और विश्वासों की जड़ों पर प्रहार करने का काम किया गया है, ताकि हमारे आस्थाएं टूटें, एक वर्जनाएं टूटें और हम विदीर्ण हो जाएं। ऐसा कुचक्र बहुत समय से हमारे विरोधी रास्ते चले आ रहे हैं। जब देखो तब हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात होते हैं, उनकी जनभावनाओं से खिलवाड़ होता है। जब ये ऐसी घटना घटती है तो वहां पर हमारी हिंदू जागरण मंच, जो हिंदू एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है, उसने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया विचार परिवार के सहयोग से। और वहां पर 75 दिन तो चला आंदोलन, सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए, 5 कार्यकर्ताओं पर जान से चले गए, पर ये हमको कोई भी परिणाम हासिल नहीं हुआ और आज भी आदेश यथावत है। वहां की सरकार ने कुचक्र रच के दो ऐसी जो कि हिंदू समाज की महिलाएं नहीं है, वामपंथी क्रिश्चियन और मोमडन है, ऐसी महिलाओं को पूरी सुरक्षा के साथ मंदिर में जबरन प्रवेश करा के हमारी आस्था को खुलेआम चुनौती दी। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक पक्ष बने, वहां पर अपनी तरफ से अर्जी लगावे। 6 तारीख से दोबारा सुनवाई शुरू हो रही है और शुरू हो चुकी है। वहां पर 65 पिटीशन दाखिल हो चुके हैं, उसमें सरकार पैरवी करके हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश लाने का आदेश लावे, एक कानून बना के हिंदू समाज के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन होने वाले इस कुठाराघात को हम हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेंगे, खास करके भगवान अयप्पा के विषय में।